कुछ ही साल पहले ये देश त्राहिमाम पुकार चुका था, भ्रष्टाचार से, काले धन से, और ऐसे ही निराशाजनक माहौल में देश की कमान संभाली नरेंद्र मोदी जी ने। उनकी सरकार ने पहले ही दिन से काले धन पर हमला बोल दिया था, पर एक साल पहले उन्होंने वो फैसला लिया जिसे आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी किसी ने न लिया था और ना ही कभी सोचा था। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, गरीबों के लिए, ईमानदारों के साथ। किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। इस बार देश ने भी ठान ली थी, काले धन के खिलाफ जमकर लड़ना है। हमने अर्जुन की तरह लक्ष्य साधा और छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा किया। आखिरकार काला पैसा निकला, जेबों से निकला, अलमारियों से, ड्रॉरों से निकला, पलंग के नीचे से निकला, दीवार के पीछे से निकला, इस तरह कोने कोने, चप्पे चप्पे से काला धन निकला। गरीबों की नींद हराम नहीं हुई, ईमानदार लोगों को सदमा नहीं लगा, क्योंकि साधारण लोगों के पास काला धन नहीं था, उनके पास तो अब भरोसा था कि हमारे लिए एक ईमानदार सरकार लड़ रही है। पर असली काम तो नोटबंदी के बाद शुरू हुआ। काले धन का सबसे बड़ा खुलासा, इतिहास में पहली बार सरकार के प्रयासों से 15.28 लाख करोड़ रुपए वापस आए और साथ में काला धन भी लौट आया। नोटबंदी के कदम की वजह से ही आज हमारे पास इनके मालिकों के नाम है, पते हैं, चेहरे हैं। आज बैंकों में 3.68 लाख करोड़ की राशि जांच के घेरे में है और 23 लाख बैंक खाते भी। चौंकिएगा मत, नोटबंदी के दौरान हमने जाना कि देश की जनसंख्या के 0.00011% लोगों ने ही देश में उपलब्ध कुल कैश का लगभग 33% जमा किया, जो था 5 लाख करोड़। आतंकवाद, नक्सलवाद को करारा थप्पड़। अर्थतंत्र में बड़ी करेंसी नोटों का हिस्सा काफी तेज गति से बढ़ रहा था, जिसका उपयोग भ्रष्टाचार, हवाला और आतंकी गतिविधियों में बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। आज देश में 12 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में है। अगर नोटबंदी नहीं होती तो आज 18 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में होती। नोटबंदी के कारण 6 लाख करोड़ के हाई वैल्यू नोट्स प्रभावी रूप से कम हुए हैं। नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद ने जबरदस्त मुंह की खाई। फंडिंग बंद हुआ तो कश्मीर में कैसे पत्थरबाजी 75% कम हो गई, नक्सलवाद में भी 20% तक कमी हुई, जाली नोटों और ड्रग्स के धंधे को भी बड़ा झटका लगा। देश की अर्थव्यवस्था की अप्रत्याशी सफाई, मानो नोटबंदी की टिकिया से पूरे अर्थतंत्र की रगड़ रगड़ कर सफाई हुई। सरकार ने शेल कंपनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके 2.24 लाख कंपनियों को रद्द किया। नोटबंदी के चलते अर्थतंत्र के ऐसे भी मायाजाल का पता चला जिसमें एक एड्रेस पर 100-100 कंपनियां थी और एक एक कंपनी के 100-100 बैंक खाते निकले। साथ साथ अब तक कभी नहीं हुआ वो करने की भी हिम्मत दिखाई सरकार ने। करीब 1,626 करोड़ की बेनामी संपत्ति को भी घेरे में लिया गया। गरीबों को मिला उनका हक, मिली बेहतर नौकरियां। नोटबंदी के चलते भारत में पहली बार गरीबों को उनका अधिकार दिलाने और शोषण से बचाने का सबसे बड़ा अभियान चला। नोटबंदी के एक साल के भीतर भीतर लाखों श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से जोड़ा गया। 50 लाख श्रमिकों के नए बैंक खाते खुले। अब उन्हें न केवल उनके सारे अधिकार मिलने लगे हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। 1.1 करोड़ श्रमिकों को भी प्रोविडेंट फंड से जोड़ा गया। ईएसआईसी में 1.3 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ, जिसमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आरोग्य सुविधाएं भी मिलने लगी। नए टैक्स पेयर्स की अर्थतंत्र में जबरदस्त वृद्धि।
नोटबंदी के बाद देश में नए टैक्स पेयर्स की संख्या में 84.21 लाख का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार। इस टैक्स कंप्लायंस एवं बढ़ती राशि की वृद्धि का लाभ देश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा। लेस कैश के जरिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ भारत की बड़ी छलांग। नोटबंदी के बाद लेस कैश इकोनॉमी की उड़ान भरी भारत ने और देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन 87 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ तक पहुंचे। काफी सालों से केवल 15 लाख POS मशीन्स ही व्यवहार में थी, लेकिन सिर्फ एक ही साल में 13 लाख नई मशीनों की बढ़ोतरी हुई। अब भीम और UPI जैसे माध्यमों से मोबाइल के जरिए गरीब से गरीब नागरिक भी कैशलेस लेन देन कर सकता है। आम लोगों को अनगिनत फायदे। नोटबंदी के बाद बैंकों में धनराशि में वृद्धि होने के कारण इंटरेस्ट रेट गिरे और आम नागरिकों को सीधे और तुरंत लाभ पहुंचे। प्रॉपर्टी के दामों में भी काफी गिरावट आई। अब सामान्य आदमी के लिए घर लेना आसान हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ब्याज दरें और भी घटी और लोन की किश्तें भी कम हुई। नोटबंदी के तुरंत बाद देश भर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की आय भी पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़ी। जो पैसा वर्षों से तिजोरियों में पड़ा था, वो अब देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया। भ्रष्टाचार और काले धन की इस लड़ाई को हर भारतीय परिवार ने लड़ा है, हर गरीब और गांव ने लड़ा है, युवा की आशा आकांक्षाओं ने लड़ा है। 125 करोड़ देशवासियों ने दृढ़ता और आत्मविश्वास से लड़ा है। अटूट भरोसे के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है। देश इस लड़ाई में विजयी तो होना ही था। जय हिंद।